बिहार की 40 लोकसभा सीट में से एक है सासाराम। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राम के परिवार का गढ़ रही है। बाबू जगजीवन राम इस सीट से 8 बार सांसद थे। उनकी बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यहां से 2004 और 2009 में सांसद थी। फिलहाल ये सीट बीजेपी के पास है। इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद छेदी पासवान का टिकट काट दिया है। वे यहां से 2 बार जनता दल के टिकट पर और 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे हैं। बीजेपी ने छेदी पासवान के बजाय पूर्व विधायक शिवेश राम को मैदान में उतारा है। उनके सामने कांग्रेस के मनोज कुमार भारती हैं। कुछ वोटर मानते हैं कि सासाराम में पिछले कुछ सालों में बुनियादी ढांचे का अच्छा विकास हुआ है, जो इस चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा। विकास हुआ है सर, विकास हुआ है। रोड रोड सब सही है यहाँ पे। उसके बाद में रास्ता भी क्लियर हो गया। यहाँ का जो जाम का प्रॉब्लम था, यही दिक्कत है कि नाली उली सही नहीं है। यहाँ का पानी उनी का व्यवस्था सही नहीं है। और सरकार से क्या चाहते हैं कि बस वो भी सुधर जाए। बिजली सब सही है, बिजली का कोई दिक्कतें नहीं है। जो विकास करेगा तो उसका तो फल मिलेगा ही। कितना हूँ मेरा दुश्मन होगा, उसी को हम वोट देंगे। विकास हुआ है यहाँ? विकास हुआ नहीं है, रोड था। क्या नहीं हुआ है? पढ़ाई लिखाई से लेकर सब आज, हाँ, देश के लिए मोदी उत्तम है। कुछ वोटरों का कहना है कि यहाँ पानी निकासी अभाव, महंगाई और पढ़ाई लिखाई से जुड़े मुद्दे गंभीर हैं। उनके मुताबिक इस चुनाव में इन्हीं मुद्दों की अहम भूमिका होगी। सासाराम का इशू सर, पहला इशू है यातायात नियम यहाँ पे। उसके बाद कॉलेज पढ़ाई लिखाई व्यवस्था, जगह जगह पर इंस्टीट्यूट है लेकिन इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद सर नशा मुक्त सासाराम चाहिए जी। क्या किस तरह का सरकार से आपकी मांग क्या है? क्या सुधार क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी सुधार मांग बस यही है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का नियम अच्छा कर दे। यहाँ जो नगर पालिका से नगर निगम हुआ, नगर निगम बनने के बाद भी कभी यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ। यहाँ का सबसे मेन प्रॉब्लम है कि पानी का निकासी के लिए नली गली यहाँ जैसा नरक कहीं नहीं है। यहाँ पर हर जो यहाँ पर सरकारी लाइट का व्यवस्था हुआ, ये आज से जलवे नहीं किया। कुछ लोग चुनाव को लेकर बेपरवाह हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह नेताओं के आधे अधूरे वादे हैं। देखिए, हमारे तो मुद्दा ऐसे बराबर वही रहता है जो हम लोग देखते हैं। विकास के नाम पर आते हैं लोग, बहला फुसला का वोट ले जाते हैं। पब्लिक क्या करे? पब्लिक तो भाई एक हेतु है, वोट किसी न किसी को देना ही है, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, उसको तो देना ही है। लेकिन यहाँ पर जो भी आए प्रत्याशी, छेदी पासवान हमारे माननीय सांसद रहे लेकिन कहीं कुछ नहीं किए। कोई मतलब चुनाव से नहीं है, न कोई बात विचार हो रहा है। फिर भी जब जाएंगे चुनाव वोट डालने जाएंगे, क्या सोच? अभी माहौल मोहल्ला का जिधर जाएगा उधर हम लोग जाते हैं। अभी कोई मोहल्ला का नहीं बना हुआ है। काम तो रोड बना, कॉल का गड़ा हुआ है, काम हुआ है। सासाराम में चुनाव के अंतिम दौर में 1 जून को वोटिंग होगी।